हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति मेंशुरेशन, क्षेत्रमिति यानी मेंशुरेशन। क्षेत्रमिति यानी मेंशुरेशन विभिन्न प्रकार की जो ज्यामिति आकृतियां होती है उन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना, ये सब चीजें हम आज क्षेत्रमिति के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लेते हैं, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं घनाभ, ये हमने लिया घनाभ, ये हमारा घनाभ है। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हमने सबसे पहले हम बात कर रहे हैं घनाभ की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड, अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्यूबॉइड, हिंदी में कहते हैं घनाभ, हिंदी में इसका नाम है घनाभ, हिंदी में इसे घनाभ कहते हैं, अंग्रेजी में क्यूबॉइड कहते हैं। घनाभ इसमें छह फलकियां होती हैं और चार और चार आठ शीर्ष होते हैं और बारह भुजाएं या कोर होती हैं। ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी लंबाई होती है जिसको हम ए से दर्शाते हैं, ये इसकी चौड़ाई होती है जिसे हम बी से, बी फॉर ब्रेथ, है ना। वैसे इसको एल से भी दर्शा सकते हैं, एल फॉर लेंथ, और ये इसका हाइट होता है जिसे हम ऊंचाई कहते हैं, और इसे हम सी से दर्शाते हैं, हम इसे सी से दर्शाते हैं, एच से भी दर्शा सकते हैं ऊंचाई को, एच फॉर हाइट, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, एल बी एच, मैं ए बी सी से दर्शा रहा हूं। तो इस घनाभ, अब इस घनाभ, इस घनाभ का अगर हमें ये मान लो घनाभ आकार टंकी है, मानो माना कि ये घनाभ के आकार की टंकी है ना, सीमेंट की बनी हुई पानी की टंकी है, और इस टंकी का हमें अगर आयतन निकालना हो, है ना, इस टंकी का अगर हमें आयतन वॉल्यूम निकालना हो, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और अगर इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो, तो दो कोष्टक में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इसके विकर्ण की लंबाई कोने से कोना, जैसे इस कोने से कोने से, इस कोने से ये कोना, कोने से कोना, इस कोने से ये कोना, इस कोने से ये कोना, है ना। तो विकर्ण की लंबाई, किसकी लंबाई, विकर्ण, विकर्ण जिसको कि हम हिंदी में लिख देते हैं, चलो विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, इसमें विकर्ण की लंबाई का सूत्र हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग। इन तीन सूत्रों की सहायता से हम घनाभ के सभी प्रश्न हल कर सकते हैं, घनाभ से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न इन तीन सूत्रों की मदद से बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अगर लंबाई दी, चौड़ाई दी, ऊंचाई दी, तो हम आयतन निकाल सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं, घनाभ के विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। मतलब या तो आयतन दिया हो, या इधर से दो राशि दी हो, लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, और ऊंचाई निकालना, मगर आयतन दिया हुआ है तो हम इससे निकाल सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चार राशि में से तीन राशि अगर हमें ज्ञात है, चार राशि में से अगर हमें तीन राशि ज्ञात है, तो चौथी बड़ी आसानी से निकल जाती है। जैसे विकर्ण की लंबाई दी और इधर लंबाई और चौड़ाई दे दी, ऊंचाई नहीं दी, तो भी हम निकाल सकते हैं। तो चार राशि में से अगर हमें तीन राशि दी गई है, तो हम बड़ी आसानी से उस चीज को हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और ये देखो आपका, ये आकृति आपकी हो गई जिसे हम कहते हैं घन। क्या कहेंगे इसको, हम घन कहेंगे, ये घन है आपका, है ना। ये क्या है आपका, घन।
ये आपका हो गया घन, इसे घन कहते हैं, ये राशि घन है, इसे हम घन कहते हैं। अब इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम है, ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी ऊंचाई है, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, तीनों राशि सेम है। तो अब इस घन का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी तो ऊंचाई ए इंटू ए इंटू ए, मतलब कितना हो गया ए क्यूब। अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो क्या हो जाएगा, दो कोष्टक में ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दो कोष्टक में ए ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ए मतलब कितना हो गया, दो गुणित तीन ए स्क्वायर मतलब सिक्स ए स्क्वायर, है ना। और घन घन के विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, घन के विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई, अब हम बात करेंगे घन के विकर्ण की लंबाई की, है ना। तो घन के विकर्ण की लंबाई जो घनाभ का विकर्ण है ना, उसमें ए का वर्ग, बी की जगह भी क्योंकि चौड़ाई भी ए है और सी की जगह भी ए, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका तीन ए स्क्वायर, तो ए का जोड़ा बाहर निकल गया, ए रूट तीन, ये हो गया आपका। घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, घन के विकर्ण की लंबाई आ जाएगी आपकी ए रूट तीन, ए रूट तीन, ये घन के विकर्ण की लंबाई होगी। तो घन और घनाभ से रिलेटेड तीन तीन प्रश्न बनते हैं जो हम बड़ी आसानी से उन प्रश्नों को हम कर सकते हैं और हमें कोई दिक्कत भी नहीं आती है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, अब हम आ जाते हैं वृत्त पे, है ना, सर्कल, ये हमारा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये हमारा क्या है, सर्कल है, वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये जो किनारा है वो इसका किनारा परिधि कहलाता है, ये इसका किनारा क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है, और केंद्र से किनारे के किसी बिंदु को मिलाने पर बना रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। ये OA क्या है, इसका रेडियस, रेडियस बोले तो त्रिज्या, है ना, और परिधि तो वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा बताओ, परिधि का सूत्र क्या होगा, 2πr, परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। अब ये परिधि यानी किनारा, जैसे यहां से चलना शुरू करा आपने और यहां से चलकर आपने ये इसका एक पूरा चक्कर लगा लिया तो इसकी परिधि हो गई है, इसकी परिधि, एक पूरा चक्कर लगा लिया मतलब कितनी लंबी दूरी आपने तय करी, यहां से चलना शुरू करा पूरा चल के वापिस यहां पे आ गए मतलब कितनी लंबी दूरी तय करी, मान लो कि आपने मान लो 5 किलोमीटर की दूरी बनती है या 1 किलोमीटर बनती है या 1.5 किलोमीटर बनती है, तो वो 1.5 किलोमीटर क्या है, इसकी परिधि है। ये 10 मीटर बनती है तो 10 मीटर इसकी परिधि है, 200 मीटर बनती है तो 200 मीटर इसकी परिधि है। परिधि का मतलब यहां पर लंबाई से है, परिधि का मतलब यहां पे लंबाई, किनारे की लंबाई, है ना, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल यानी अंदर कितना स्थानीय घेरता है, क्षेत्रफल किसको कहते हैं, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये अंदर कितना स्थान घेरता है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान परिधि के द्वारा या किनारे के द्वारा जितना स्थान वो घेरता है वो उसकी परिधि, उसका क्षेत्रफल कहलाता है, है ना। चलिए अब मान लो इसकी एक त्रिज्या तो ये है,
है ना, एक त्रिज्या ये है, या फिर हम ऐसा कहें कि एक त्रिज्या और ले लेते हैं, चलो एक त्रिज्या और हमने ले ली, है ना, तो ये दो त्रिज्या होगी ओ ए और ओ बी, इन दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्रफल है, ये दो त्रिज्याओं के बीच का ये जो क्षेत्रफल है, ये जो दो त्रिज्याओं ने जितना स्थान घेरा है ना, ये क्षेत्रफल, ये कितना क्षेत्रफल है, है ना, तो त्रिज्या खंड, दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया खंड तो त्रिज्या खंड कहलाता है, है ना, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड कौन सा, एओबी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यहाँ पे जितना थीटा बना है, यहाँ जो कोण बना है 30 डिग्री 45 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री जो भी बनता है यहाँ पे, वो थीटा माना जाएगा, ठीक है। और यदि चाप की लंबाई, ये चाप है आपका, ये बी ए, बी से लेके ए तक या ए से लेके बी तक, वो चाप की लंबाई कहलाता है, तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र हो जाएगा 2πr थीटा बटे 360, ये चाप की लंबाई का सूत्र होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये व्रत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब हम आते हैं व्रत के बाद, हम आ जाते हैं बेलन पे, किस पे आते हैं हम, बेलन, ये बेलन है, ये बेलन है आपका, है ना, ये आपका बेलन है, इस टाइप से हमारा ये बेलन है, ये क्या है आपका बेलन है। अब इस बेलन, यानी कि इस बेलन का हमें क्या निकालना है आपको, बेलन का, इस बेलन का हमें आयतन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये यहां से लेके यहां तक तो ये इसकी त्रिज्या हो जाती है, ये ओ और ये ए, ओ ए, इसको हम त्रिज्या भी कह सकते हैं, ये त्रिज्या है ना, और ओ से लेके एच यहां तक ये ऊंचाई होगी इसकी, है ना, ये बेलन, बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ हो जाता है 2πrh। अब वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ में ये नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा काउंटिंग नहीं होता है, नीचे जो कि वर्ताकार भाग है, इसका जो आधार है, बेलन का जो आधार है वो वर्ताकार है और इसका शीर्ष भी वर्ताकार है, तो ये दोनों वर्ताकार, यानी कि इस व्रत का क्षेत्रफल और इस व्रत का क्षेत्रफल, इसमें काउंटिंग नहीं है, अगर इसका भी क्षेत्रफल और इसका भी क्षेत्रफल इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा, किस प्रकार से, देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, पहले तो वक्र पृष्ठ जो है वो लिखो, प्लस नीचे का आधार का क्षेत्रफल और ऊपर का आधार, अब हम देखते हैं कि 2πr दोनों में, तो 2πr यहाँ रह गया एच और यहाँ रह गया आर, तो ये हो गया आपका 2πr एच प्लस आर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पे कहने का अभिप्राय यही है कि वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल उसमें ऐड नहीं करना है, उसको छोड़ के जो क्षेत्रफल बनता है वो वक्र पृष्ठ कहलाता है,
अगर उसको भी जोड़ दिया जाए, आधार के क्षेत्रफल को और शीश के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं ये शंकु, ये हमारा शंकु है, ये इसका एच है ए ओ बी, है ना, ये ओ है, ठीक है। तो ये तो उसका इसका एच है, ये इसका आर है और ये इसका एल है, स्लोप लेंथ, है ना, तिर्यक ऊंचाई, है ना, ढलान वाली ऊंचाई। अब इस शंकु की बात करें तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु का जो आयतन होता है, जो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, उसके आगे 1/3 लिख दो, मतलब बेलन के आयतन का 1/3। अगर बेलन का आयतन मान लो 90 है, 90 घन सेंटीमीटर है, तो 90 घन सेंटीमीटर यानी कि 1/3 उसका तीसरा हिस्सा, 30 60 30 90, तो 30 उस तो उससे बने शंकु का आयतन, उस बेलन में से बने हुए शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 यानी कि 30 घन सेंटीमीटर। उस बेलन से 3 शंकु निकल सकते हैं, तीन शंकु उस बेलन से निकल सकते हैं। चलो शंकु का आयतन हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ की बात करें हम तो वो हो जाएगा हमारा पाई आर और एल। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ अब उसमें क्या करना है, अब वक्र पृष्ठ में क्या, ये जो आधार का क्षेत्रफल ये हमने नहीं जोड़ा है, वक्र पृष्ठ में क्या होता है, इस आधार के क्षेत्रफल को नहीं लिया गया है और संपूर्ण पृष्ठ में इसको लिया जाता है, नहीं इसमें ऐड हो जाएगा ये, है ना, ये जो पाई आर एल है ना, पाई आर एल, इसमें आधार क्या है, वृत्त है, आधार इसका वृत्ताकार आकृति, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर दोनों में तो पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ एल रह गया और यहाँ आर, तो पाई आर, आर प्लस एल या एल प्लस आर, इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से शंकु के भी 3 सूत्र बनते हैं और इन 3 सूत्रों की मदद से हम शंकु के सभी सवाल जो भी इससे रिलेटेड होते हैं, चाहे वो बेलन से रिलेटेड भी, उसके भी 3 ही बनते हैं। तो हम सूत्र अगर हमें याद हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम निकाल, क्षेत्रमिति के सभी सवाल हो सकते हैं अगर उनके सूत्र हमें कंठस्थ और मुखिक याद हो, ठीक है। अब शंकु के बाद हम आ जाते हैं गोले पे, तो ये हमारा गोला है, ये हमारा ठोस गोला है भैया, ये हमारा गोला है भैया, है ना, ये क्या है हमारा गोला है भैया, है ना, ठीक है ना, ऐसा है भैया, ये हमारा गोला है। अब इस गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। फिर अर्ध गोले की बात करें हम, कि अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, तो अर्ध गोला कैसा, इसमें से आधा कर दो, है ना, जैसे ये ना, ये गोला हमारा ना, तो भैया इस गोले का आधा कर दो, ये 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 अर्धगोला हो गया, ये इस अर्धगोले का आयतन, है ना, गोले का पृष्ठ, तो गोले का पृष्ठ होता है 4πr². और अर्ध गोले की बात करें, है ना, अब हम बात करेंगे अर्ध गोले का पृष्ठ,
है ना, अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का पृष्ठ 3πr² इसका हो जाएगा 3πr², है ना। ये गोले से रिलेटेड क्वेश्चन इन सूत्रों की मदद से हो जाते हैं। और जैसे कि ये आकृति मान लो मैंने नाम दिया इसको ABC, ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं इसकी सेम है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 3a, है ना। परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 3a परिमाप। और अर्ध परिमाप जिसको हम एस बोलते हैं, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 3a/2। और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका a√3/2, a√3/2। देखो ये कैसे होगा, है ना, एस 3a/2 गुणित 2 a/2 a/2, तो ए दो 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 चार, ये चार आएगा, है ना। कितना आएगा, चार, चार आएगा, यहाँ चार आएगा। अब सही सूत्र हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे आयत की। ये आयत है,